आज हमारी नानी माँ का अंत समय आया, वो 100 एबो उनकी एज थी और कल 12:15 उनका अंत समय आया। अब हम उनके रिलेटिव्स का वेट कर रहे हैं, कुछ दिल्ली से आ रहे हैं, कुछ जम्मू से आ रहे हैं, लेकिन इस बिटवीन हमें यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मुसलमान भाई हैं जो शुरुआत से हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे सुख में दुख में हमारे काम आ रहे हैं, शाना बशाना हमारे साथ ये रहते हैं। और रिलेटिव्स को बाद में इन्फॉर्म होता है, लेकिन ये पहले यहाँ पे आते हैं। हम इनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि ये हमारा साथ इन्होंने आज तक अपने भाई की तरह दिया, हम इनका एहसान मंद रहेंगे। मेरा नाम गौलानी वानी है। यह हमारे इलाके की बहुत मशहूर बूढ़ी थी, जिसको सब लोग अम्मा के नाम से पुकारती थी, क्योंकि ये बहुत नेक हसनत वाली बूढ़ी थी, औरत थी, जो सबों को अच्छी तरह से पालती थी, सबों को अच्छी तरह से पेश आती थी। सब लोग इसको अम्मा के नाम से पुकारती थी। जब लोगों ने सुना कि अम्मा गुजर गई, सब लोग यहाँ खुशियों की सूरत में जमा हो गए और उसको आखिरी रस्मत देने के लिए यहाँ पहुँच गए। गाँव में हम यहाँ पे रहते हैं, जिधर जिधर भी पंडित लोग रहते हैं, जो माइग्रेट नहीं हुए, जो नॉन माइग्रेट है, वो बड़े मजे से मुसलमान के जो यहाँ पे भाईचारा है वो बराबर कायम है, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। और हमने जो जितने 90 से जो जितने हालात खराब हो गए हम उसी में रह रहे हैं। और जो भी इधर यहाँ के लोग हैं, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, और भी मतलब कोई भी मजहब रहते हैं, आपस में भाईचारे से रह रहे हैं, हमें कोई वो परेशानी नहीं है। हम तमाम मुसलमान यहाँ के, इन्होंने कोई काफ़ी भाईचारा दिखाया यहाँ पे, और जिसका मतलब कश्मीर जो पुलवारी के नाम से जाना जाता है, यहाँ के भाईचारे के नाम से जाना जाता है। कल्चर यहाँ का ट्रेडिशन है, बहुत ही फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हम इसलिए आए हैं कि यहाँ को इनको कुछ हेल्प करे, यहाँ का भाईचारे को जिंदा रख सके। राम नाम, राम नाम, राम नाम।